हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दीपावली, लेकिन सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे घर का बाहर का सीन है। ये मेरा गेट है और इसको मैंने कुछ गेंदे के फ्लावर से सजा रखा है। दीपावली में गेंदे के फूल की सजावट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और मैंने ये कलश टाइप का एक लटकन जो है उसको मैंने टांग रखा है। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो रंगोली की तैयारी कर रही है, और उनके पापा जी है, घर की लाइट पूरे घूम कर चुके हैं सुबह की, तो ज़ोर शोर से लाइट बनाने की कोशिश करें कि दीपावली के दिन अंधेरा ना हो पाए। उनको आता नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि मैं लाइट को ठीक करूं। लाइट तो इनको बनाने आती नहीं, लेकिन कोशिश करें, वो भी अपने भाई जी के साथ, यानी मेरे देवर अमित जी उनके साथ मिलकर दोनों भाई लाइट को ठीक करने के लिए। इस डर से क्योंकि पापा आएंगे तो गुस्सा करेंगे तुम दोनों ने क्या कर दिया। और मेरी बेटी जो रंगोली बने, माँ को तो नहीं आती, लेकिन बेटी ने काफ़ी अच्छा रंगोली बना रखा है, मुझे रंगोली बनाने नहीं आती। और उन मेरी बेटी के साथ उनकी जो फ्रेंड है अंशिका और आयना, दोनों बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, दोनों हेल्प कर रही हैं। ये है आयना, और अंशिका शायद से चली गई है अच्छी तरह से इसको रेडी करके, क्योंकि इस टाइम लंच का टाइम हो गया, इसलिए बच्चों को भूख लगी होती तो वो खाना खाने चले गए, और उसके बाद फिर से आएगी दोबारा। और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि आपने लाइट क्यों नहीं ठीक किया अभी तक, तो बोले कि अंधी देखो लाइट तो ठीक हो चुका मैं ध्यान नहीं दी। और मैं यहाँ अपनी तैयारी कर रही हूँ, कुछ अपने घर की डेकोरेशन की तैयारी, मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से कर नहीं पा रही, क्योंकि दो दिन पहले मुझे काफ़ी फीवर था, तो घर वाले बोले कि इतना तामझाम ना करो, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ेगी तो अच्छे से दीपावली मन जाएगी हमारी। तो इसलिए मैंने डेकोरेशन, घर को डेकोरेट करने की कोशिश किया। मैंने कुछ गेंदे के फूल को, नहीं, मारीगोल्ड के फूल को एक तांबे की जो प्लेट होती है थाली, उसमें मैंने उसको लगाए, और पीछे में मैंने दिया रखा है। और ये जो आप प्लेट देख रही है, मेरी बेटी को कंचिके में मिला था, तो मैंने उसको संभाल कर रखा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें मैंने वो बबल्स होती है उसमें मैंने डाल रखा बबल्स बॉल, और दिया डाल रखा। और इसमें भी मैंने, इस प्लेट में भी मैंने एक दिया रखा है, और बाकी डेकोरेशन मैंने गेंदे के फूल से किया है। और ये जो ये मेरा कॉफ़ी टेबल है जो हॉल के बीचों बीच मैंने लगा रखा है, मुझे गेंदे के फूल से घर को सजाना काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है, तो बोले काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है बस करो, इतना ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेशन भी ऑड लगता है। और हॉल के बीचों बीच मैंने एक अलमीरा रखा है, उस पर भी मैंने कुछ फ्लावर्स, कैंडल्स, लाइट, और एक खाली बोतल मेरे पास पड़ा हो तो उसमें मैंने कुछ कलर डाल दिए, और जिसके उसकी लुक काफ़ी, आप डेकोरेशन की चीज़ें कुछ घर पे भी खुद से बना सकते, जरूरी नहीं कि आपको ज़्यादा पैसे लगा के बाहर से ही चीज़ें लेकर आओ, और बाकी सब चीज़ें आप बाहर से खरीद सकते हो। तो ये लाइट मैंने लिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें आपको दिखाई या फिर आगे दिखाने वो सब की शॉपिंग मैं सदर मार्केट से की। और ये जो आपने आप देख रहे हो, ये एक कांच की शीशी थी बोतल, उसको मैंने कलर कर लिया है, और उसमें मैंने कुछ फ्लावर डाले। और ये पिक मेरी और मेरी बेटी का है, उसके फर्स्ट बर्थडे का ये पिक है। और इसके साइड में एक फिश पॉट है, इस फिश पॉट था, सारी मछलियाँ मर गई इसकी इस वजह से, ये कोने में पड़ा हुआ, तो मैंने क्या कि इसमें कुछ कलर डाल दिए, पानी डालकर और कुछ फ्लावर डाल दिए, जिसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। घर में काफ़ी चीज़ें होती है जो वेस्ट है, उसका भी यूज आप कर सकते। यहाँ पर मैंने कैंडल रखा है, और ये जेली कैंडल है, फ्लावर कैंडल कुछ है, ये मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, तो उसने कहा मम्मा आप इसको यहाँ रख दो। और यहाँ मैंने एक लॉर्ड गणेशा का एक प्यारी सी मूर्ति रखा, और ये लाइट आप पहले देख चुके हो। और साइड में मैंने एक पॉट, फ्लावर पॉट रखा है। और ये जो वॉल है, मेरी फैमिली जो पिक है उसकी वॉल है, और इस पिक में है मेरे इन लॉस यानी मेरे मम्मी पापा, और दूसरी जो पिक है मेरे बेटे ध्रुव की पिक है बचपन की, और ये है आयुषी मेरी बेटी, और ये भी आयुषी की पिक है, और ये मेरा ध्रुव, और ऊपर है मेरे हस्बैंड का फोटो और मेरे बेटे, और ये मेरे देवर अमित, और ये मैं हूँ, मेरे बच्चे, और मेरे ससुर जी है जब वो फौज में तब की उनकी फोटो, और ये मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी देवर मेरी ननद की शादी के टाइम का फ़ोटो है ये, और मेरी ननद है रेखा, और नीचे मम्मी पापा का फ़ोटो जो कि आपने देख चुका है। तो गाइस, ये तो रही मेरे घर की कुछ डेकोरेशन, और ये मैं अपने फ्लावर को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ये थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है नीचे। और ये मैंने कुछ फ्लावर की लड़ियों से अपने घर को सजा रखा है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। आप भी ऐसे डेकोरेट कर सकते हो अपने घर में।
और ये रही कुछ सिनरिया जिसकी शॉपिंग में यहाँ की फेमस सदर मार्केट से की थी। ऑलमोस्ट मैंने सारी शॉपिंग सदर मार्केट से की। और सदर मार्केट की मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी वहाँ जाओ तो अपनी पर्सनल गाड़ी से बिल्कुल ना जाओ, क्योंकि वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि आप शोल्डर बैग लेकर, अगर वुमेन हो आप जा रहे हो तो शोल्डर बैग लेकर कभी नहीं जाए, क्योंकि पता नहीं कैसे वो ब्लेड आपका शोल्डर बैग आपके शोल्डर में रहेगा लेकिन पीछे से वो ऐसे ब्लेड करेंगे कि आपके जो आपका पर्स या फिर मोबाइल फ़ोन या कुछ भी हो वो आपका गायब हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आप स्लिंग बैग या फिर आपके जो हैंड पर्स होते हैं उसको लेकर जाए, और ज्वेलरी तो बिल्कुल निकाल कर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है। और ये सारी शॉपिंग मैं वहीं से की हूँ क्योंकि मैं जब गई थी। और एक बात और कि जब भी आप वहाँ जाओ दीपावली की शॉपिंग के लिए, तो आप दीपावली से ठीक 20 या 1 महीना पहले जाओ, क्योंकि अगर दीपावली के 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते जाओ तो आप बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी, और इस चक्कर में आपकी शॉपिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे अहम बात है सदर मार्केट से शॉपिंग करने के लिए। और ये जो लाइट आप देख रहे हो, इसको मैंने अमेजोन से मंगाया। जब अमेजोन पर 60 से 80% का सेल चला था, उस टाइम मैंने ये लाइट्स मंगाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मुझे 700 का मिला था। और इसके साइड में भी एक और लाइट है, इसको भी मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये मुझे 900 का मिला था। ये दोनों लाइटें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है घर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको लगाने के बाद अच्छा लुक आ रहा है मेरे हॉल की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने इन दोनों को ऑर्डर किया। तो ये रही मेरे हॉल की कुछ पीक। ये सीलिंग लाइट है, मैंने इसको सीलिंग पर लगा रखा है, आप ध्यान से देखो काफ़ी प्यारा लाइट है ये। और ये पूरे हॉल में मैंने ऐसे फ्लावर लरिया लटका रखा है। और मैंने यहाँ साइड टेबल पर जो हमारी होती है साइड कॉर्नर में लगाने वाली, उस पर मैंने कुछ फ्लावर डाल रखे हैं गेंदे को, और एक बड़ा सा पॉट रखा है। और मैंने दो वहाँ चेयर रखा है, उस पर कुशन है। और साइड में कॉर्नर पे मैंने एक टेबल पे दो दिए और ये फ्लावर पॉट मैंने रखा है, और उस पर कुछ फ्लावर है। और इसके ऊपर मैंने एक कॉर्नर स्टैंड लगा रखा है वॉल रैक, जिस पे मेरी बेटी की कुछ बारबी डॉल सेट है। इस पे उसने बोला मुझसे कि मामा आप इसको यहाँ रख दो। और उसने ये जो पैरेट है उसने भी इसको बाय किया था किसी दुकान से, तो उसने यहाँ लगा रखा। और ये मैंने कुछ कर्टन्स लगा रखे पर्दे, इसको मैंने यहाँ के आर्य समाज रोड है वहाँ से मैंने बाय किया था। और ये कुछ फ्लावर स्टैंड है साइड में मैंने लगा। और ये मेरी सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों के ऊपर भी मैंने कुछ फ्लावर लटका रखे, फ्लावर लरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो आप कॉर्नर में देख रहे हो एक पॉट में, ये लंबा लंबा सा पेड़ टाइप का लगा हुआ है, ये भी मैंने सदर मार्केट से लिया है। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं इसको ली थी तो मैंने जिस पॉट को देखा था उसमें जो ये लड़ियाँ लगी हुई है ये घास टाइप की, ये काफ़ी गुच्छे वाली थी, काफ़ी अलग अलग था, देखने में अच्छा लगता था। लेकिन जैसे मैंने इसको उसको बोला इसको पैक करने के, पता नहीं उस बंदे ने इसको कैसे चेंज कर दिया, और जब मैं घर आई तो मुझे ये मिला जो काफ़ी गंदा। और यहाँ मैं खड़ी हूँ मैं अपने हस्बैंड को बोले कि आप जाओ और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आए, क्योंकि शाम को दुकानों में और भीड़ हो जाती। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं पूरी तरह से सूट कर लूँ उसके बाद ही जाऊँगा। और मेरी बेटी की रंगोली ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, उसकी दोनों फ्रेंड चली गई है और वो अकेली रंगोली रेडी कर रही है, और मैं भी इसमें थोड़ी सी उसकी हेल्प की। जैसे उसने बताया मैंने उसकी हेल्प की है, काफ़ी प्यारी रंगोली बना रखी है इन तीनों बच्चियों ने। और ये एक फ्लावर दूसरा फ्लावर पेट और पॉट है, और इसके ऊपर मैंने सीनरीज लगा रखा है, और नीचे मेरी बेटी का डॉल हाउस रखा हुआ है। और ये बाकी सोफ़ा, इस सोफे का जो कवर है और कुशन कवर है ये भी मैंने सदर मार्केट से लिया। मैंने पूरी की पूरी और वर्ष दीपावली की शॉपिंग सदर मार्केट से ले रखी। और ये कर्टन से वो आर्य समाज रोड से मैंने लिया है, यहाँ का एक फेमस आर्य समाज रोड है उत्तम नगर, दिल्ली में रहने वालों को पता होगा उत्तम नगर जो द्वारका के पास है, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकान है वहाँ पर। तो ये तो रही मेरे हॉल की पूरी लुक जो काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको भी शायद आई होप आपको भी अच्छा लगे। और आप ये अमेजोन की जो लाइट है वो काफ़ी, इसकी वजह से हॉल की लुक बिल्कुल चेंज होगी। और यहाँ मैंने दिए को पानी में भिगो के रख दिए शाम के लिए, क्योंकि दिए को पानी में भिगो के रखने से जो ऑयल होता है ना वो दिए के अंदर सूखता नहीं है, बहुत अच्छा रहता है इसे।
और यहाँ मैंने कुछ सामान भी अरेंज करके रखे, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, एक पर एक शाम हो जाता है। और अब मैं अपने मंदिर की सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि बिना नहाए मंदिर की सफाई करना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं नहा वहा कर फिर मैंने नाश्ता कर लिया, काफ़ी लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। तो मैंने लंच हो गया मैंने करके, फिर मंदिर की सफाई कर रही हूँ पूरी तरह से। और अभी एक दिन पहले हमारे घर में सत्यनारायण की कथा हुई थी, जिसकी वजह से मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत धूल तो आ ही गई है। हमने पूरा ये जो हमारी अब देख रही हुई एक चौकी टाइप का, उसको हटा के मैंने साफ़ कर दिया था सुबह में। और इसको मैं अपने गीले कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ के मंदिर की सफाई करी, क्योंकि अगर मैं इसको भिगाऊंगी तो ये लकड़ी का है, वुडन का है, तो वो ख़राब हो जाएगा। और अंदर मैं एक जो होती है ना, क्या बोलते हैं, चंदेरी जो चुन्नी टाइप की जो कपड़ी आती है, उसको मैंने बिछा रखा है। और मैं अब भगवान की फ़ोटो को भी अच्छी तरह से साफ़ करी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे कि ऐसे क्यों साफ़ करे, उसको पानी में डुबो के साफ़ कर, फिर अच्छा भगवान को ठंडी लग जाएगी ऐसे। यहाँ मैंने सारी फ़ोटो को साफ़ कर लिया और मैं उसको अरेंज भी कर ली। अब मैं अपने मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। मेरी मम्मी जो है सासू में, वो और फूल लेने गई है, फ्लावर की लड़िया। मैं अपने मंदिर में कभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक लड़िया वो नहीं लगाती, क्योंकि एक बार जब मैं लगाई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मैं अपने मंदिर में कपड़ा डाली थी वो जल गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लगता है। इसलिए मैं अपने मंदिर में कभी वो इलेक्ट्रिक लड़िया नहीं लगाती हूँ, फ्लावर से ही जो बहुत थोड़ा बहुत है वो डेकोरेट करती। तो मैं यहाँ कुछ जो लोटे वगैरह कल से के लिए मैंने उसको भी क्लीन करके सेट कर दिया पहले से, कि ताकि शाम को पूजा अच्छी तरह से हो जाए। बाकी ये जो आप घंटी देख रहे हैं, इसको मैं कल मार्केट से खरीद के लेकर आई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों साइड इसमें एक में गणेश भगवान है और दूसरे में लक्ष्मी जी है, इसको लाकर मैंने मंदिर में दोनों साइड इसको लटका दिया है। लेकिन ये आवाज़ नहीं करती, बस ऐसे देखने के लिए घंटी टाइप का है ये, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी जो पूजा का सामान है मैं उसको अरेंज कर, और एक थाली में जो रेडी करके रखी थी मंदिर में रखने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, उसको मैंने साइड में लगा दिया है। और जो है आपके सामने आप अच्छा लग रहा है, ये देखने में काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी वजह से। बाकी जो पूजा की जो चीज़ें मैं अरेंज करी, क्योंकि मेरी मम्मी उनकी पूजा की कुछ भी यहाँ पर हो जाए तो काफ़ी गुस्सा करती है, उनकी सारी चीज़ें उनकी आँखों के सामने होनी चाहिए। और वो कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो रखती है मंदिर पे, मैं उनको हमेशा बोलती कि मम्मी 2-3 फ़ोटो रखो अच्छा लगता है मंदिर, लेकिन उनको भगवान की पूरी फ़ोटो चाहिए। और ये मेरी सासू माँ है यानी मेरी मम्मी, और मेरे हस्बैंड जो शुभ लाभ की लड़ी होती है वो मम्मी लगवा रही है गेट के सामने, क्योंकि गेट के सामने लगाने में काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये कलश टाइप का लेकर खड़ी है मम्मी वो, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 2 कलश लगा रखे, लेकिन उनको और लड़ी कलश लगवाने हैं। उन वो पूजा पाठ को ज़्यादा मानती है, मैं भी थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। और ये मेरी जो बेटी और उनकी फ्रेंड है, रंगोली में लगी हुई है, उनकी रंगोली काफ़ी अच्छी लग रही है, कंप्लीट हो गई थी लेकिन इन्हें साइड से निकाल के दोबारा कोशिश की और अच्छा बनाने की। तो गाइस आपको मेरी बेटी की रंगोली कैसी लगी, बाकी मेरे डेकोरेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके पक्का बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना।